ये BPL का अल्टीमा प्राइम मल्टी पैरा पेशेंट मोनिटर है जो कि 12 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। इसका बेसिक इंस्टॉलेशन वो 100D जो हमने पहले देखा था उसी की तरह होता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। आज हम इसकी सेटिंग्स और यूज और बाकी चीज़ों के बारे में जानेंगे। बेसिकली ये अपना 5 पारा मोनिटर है जिसमें आपको SpO2, ECG, रेस्पिरेशन रेट, टेम्परेचर और NIBP मिल जाएगा। ये देख रहे हैं हमारा मॉनिटर ऑन हो गया। ये इसकी बेसिक जो सेटिंग्स है वो सेम टू सेम जो हमने XLOD की सेटिंग जैसे देखी है उसी के तरीके से होती है। लगभग सेटिंग सेम ही है, बट फिर भी हम एक बार इसको देखेंगे। ये आप देख सकते हैं सेम उसकी तरह इसमें ECG, NIBP मीन जो आता है वो SpO2, PI, रेस्पिरेशन रेट, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें भी टेम्परेचर का 2 दिया हुआ है। यहाँ आप मेन्यू में देखेंगे, ये मेन्यू है, ये अपना पावर ऑन करने का बटन है। यहाँ मेन्यू से जैसे हम मेन्यू पे प्रेस करेंगे, प्रेस करने के साथ ये नॉब को जैसे ही प्रेस करेंगे मेन्यू पे जाने के बाद, ये देख सकते हैं जो हमारा ये स्क्रीन है, ये ऑक्सी CRG के लिए स्टैंडर्ड स्क्रीन जब हम डालेंगे तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड स्क्रीन आ जाएगा। इसमें एक ऑक्सी CRG की भी व्यवस्था उपलब्ध रहती है। ऑक्सी CRG भी आप इसमें देख सकते हैं। ऑक्सी CRG के बारे में हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो ये होता क्या है। अभी हमने स्टैंडर्ड पे कर दिया है। बाकी जो मॉनिटर्स की सेटिंग है, बीप वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम, वो सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। वेब सेटअप्स देख सकते हैं जो कौन कौन सा वेब फॉर्म आप 1, 2, 3, 4 में क्या क्या वेब फॉर्म्स देखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें। जैसे एक पर हमने ECG1 रखा है, वेब फॉर्म 2 कास्केट का है, वेब फॉर्म 3 SpO2 का, वेब फॉर्म 4 रेस्पिरेशन का। मान लीजिए वेब फॉर्म 2 पे हम चेंज करना चाहते हैं, जो हम नहीं ECG का लीड 2 देखना चाह रहे हैं। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे ECG का लीड 2 आ जाएगा वेब फॉर्म पे, और जैसे ही इसमें प्रीवियस करके हम बैक टू मेन मेन्यू आएंगे, हम देखेंगे यहाँ वेब फॉर्म पे हमारा ECG2 का लीड देने लगा है और पहले वाले पे ECG3 का, SpO2 का, रेस्पिरेशन का। इस तरीके से आप ये वेब फॉर्म चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये सेलेक्ट मॉड्यूल का है, ये बेसिकली जो जो मॉड्यूल्स ऑन है, अगर हम मान लीजिए किसी मॉड्यूल्स को ऑफ कर देंगे तो उस मॉड्यूल्स की रीडिंग्स आना बंद हो जाएगा। जैसे ही हमने SpO2 का मॉड्यूल्स यहाँ ऑफ किया है, यहाँ देख रहे होंगे SpO2 का मॉड्यूल का जो रीडिंग्स थी वो गायब हो गई है। जैसे ही हम ऑन करेंगे वापस SpO2 आ गया है, जैसे ही ऑफ करेंगे वापस SpO2 डिसेबल का ये आ जाएगा। सेम उसी तरीके से आप NIBP और रेस्पिरेशन का भी मॉड्यूल ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये टेम्परेचर के मॉड्यूल्स है, टेम्परेचर 1 या टेम्परेचर 2, जो भी मॉड्यूल्स आप बंद करना चाहते हैं वो बंद कर सकते हैं। टेम्परेचर 1 का मॉड्यूल हम बंद करेंगे, टेम्प 1 का जो है ये आपको डिसेबल हो गया है, टेम्परेचर 1 का नहीं दिख रहा है, T1 नहीं दिख रहा। सेम उसी तरीके से जैसे हम T2 को लेकर तो यहाँ से T2 हट जाएगा। ये बेसिकली सेलेक्ट मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स कौन सा आप ऑपरेट करना चाहते हैं, कौन सा डिसकनेक्टेड या डिसआर्म रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रेंड स्टोर का है, आप कौन कौन से ट्रेंड स्टोर कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। राम स्टोरेज हमने अभी ऑफ कर रखा है, या सलाम स्टोरेज ऑन कर सकते हैं, या वार्निंग स्टोरेज ऑन कर सकते हैं। हमने बेसिकली क्या है, NIBP का स्टोरेज ऑन कर रखा है, वो भी हर एक मिनट पर जो NIBP का इंटरवल है वो स्टोर होगा। ये शॉर्ट ट्रेन का है, ये ट्रेन कितना कैसे चलेगा वो सारी स्केलिंग्स का है। ये 4 का स्केल भी आप चेंज कर सकते हैं, SpO2 का स्केलिंग भी चेंज कर सकते हैं, 40 से लेकर 160 से लेकर 100% तक, ये सारी चीज़ें आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। ये रेस्पिरेशन का है, रेस्पिरेशन का भी आप इसमें ये चेंजेज कर सकते हैं। बाकी ST की स्केलिंग्स है, ये भी ST की स्केलिंग्स भी आप वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कस्टमाइज यूज के लिए है, या मान लीजिए जिस हिसाब से ये पेशेंट या जिसको क्लिनिशियन या डॉक्टर अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, जो किस हिसाब से उसको कैसे करना है यूज कर सकते हैं। अब हम सिस्टम सेटअप देखेंगे। इसमें आप लैंग्वेज की सेटिंग्स कर सकते हैं। बेसिकली ये लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश का ही है, तो इसमें इंग्लिश ही रहेगा। इसके अलावा टाइम का सेटअप है, ये टाइम सेटअप में आप ये नॉब मैं ज़्यादा घुमा दे रहा हूँ। ये टाइम सेटअप्स में आप जाएंगे तो आप इसमें डेट, टाइम, जो भी चीज़ें हैं, आवर, मिनट, सेकंड्स, वो सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। जनरली हम लोग इसमें 24 आवर फॉर्मेट लेते हैं, चूँकि इसमें AM और PM करने की सुविधा नहीं उपलब्ध रहती है। 24 आवर फॉर्मेट के हिसाब से इसमें डेट और टाइम अभी करेक्ट चल रहा है, तो मुझे इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये पेशेंट टाइप हमें सेलेक्ट करना है, जो किस टाइप का पेशेंट पर हम ये मॉनिटर यूज कर रहे हैं। अगर एडल्ट पेशेंट पे कर रहे थे एडल्ट, चाइल्ड पे कर रहे थे चाइल्ड, न्यूनेटल पे कर रहे थे न्यूनेटल। इससे क्या होगा, ये पेशेंट टाइप जैसे ये सेलेक्ट करते हैं उस हिसाब से इसका जो अलार्म्स का सेटिंग्स है, वो अलार्म्स की सेटिंग या बारी चीज़ें, बाकी चीज़ें जो भी सेटिंग्स होती हैं, वो खुद ब खुद एडल्ट की अलग डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है, चाइल्ड की अलग और न्यूट्रल की अलग, उस हिसाब से वो सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स चेंज हो जाती है।
तो हमें फिर से खुद से कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं आती। ये अलार्म्स का लेवल है, ये सारे चीज़ों का अलार्म्स का लेवल है, जो यहाँ अलार्म्स आप कैसे, यहाँ एचआर का है, HCPO2 का है, NIBP का, रेस्पिरेशन का, टेम्परेचर का, IBP का ऑफ है चूँकि हमने IBP का मॉडल इसमें नहीं है, ETCO2 का मॉडल नहीं, वो भी नहीं है, FICO2 का नहीं है, जो भी मॉडल्स इसमें नहीं अवेलेबल है, यानी जो मॉडल्स इसमें अभी जो अपग्रेडेबल्स मॉडल है जो हमने 5 PARA में अपग्रेड करना होता है, जैसे ETCO2 हो गया, ड्यूल IBP हो गया, FIO2 हो गया, ये सारी चीज़ें जो अपग्रेडेबल है, AGM का है, तो ये चीज़ अपग्रेडेबल नहीं है, तो वो सारी मॉडल्स अभी इसमें, ये वो सारे का अलार्म का सेटिंग अभी ऑफ रहेगा, जो जो मॉडल्स अवेलेबल रहता है या जो जो रीडिंग समय मिल रही है उसके अलार्म्स का सेटिंग आप यहाँ देख सकते हैं। डिफॉल्ट पे भी हमने कर रखा है, ये आप देख सकते हैं, आप इसको मीडियम, सॉरी ये हम देख रहे हैं अभी HR पे हैं, फिर SPO2 पे गए, SPO2 में मीडियम हाई लो, यानी जिस हिसाब से रखना चाहते हैं, जो अलार्म्स आपको चाहिए वो मीडियम चाहिए, हाई चाहिए, यानी थोड़ा सा भी डेविएशन हुआ तो चाहिए, ज़्यादा डेविएशन होगा तब चाहिए, वो सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ एग्जिट पे आके जैसे बाहर आएंगे, बाहर आ गए, यहाँ डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो जो सारा पहले से रहेगा वो सारी सेटिंग्स आ जाएंगे। उसके अलावा जैसे ही हम ये प्रीवियस करके बाहर आएंगे, देखेंगे अलार्म्स लेवल हो गया, अब ये मशीन्स की सेटिंग्स है, मशीन का पासवर्ड ही मांगता है, ये जनरली सर्विस इंजीनियर यूज के लिए होता है, जो आप यूज का नहीं है, सो हम इस वीडियो में इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, ये सिस्टम का जो भी वर्जन है, सीरियल नंबर है, मॉडल्स का सीरियल नंबर है, SPO2 का जो भी वर्जन से या जो भी हमने मॉडल्स इसमें यूज किया है, उन सारी चीज़ों का सीरियल नंबर और बाकी इन्फॉर्मेशन रहता है। ये डेमो मोड है, ये डेमो मोड में जैसे ही डाल देंगे पासवर्ड मांगता है, ये पासवर्ड डालने के साथ जैसे हम डेमो मोड में डालेंगे मशीन हमारे डेमो मोड में चलेंगे, ये कोई भी चीज़ ये सेव नहीं करेगा, नॉर्मल डेमोस्ट्रेशन के लिए इसका यूज होता है। उसके अलावा ये ट्रेंड रिव्यू है, ट्रेंड रिव्यू हम देख सकते हैं कब, यहाँ देखिए टाइम है HR का, SPO2 का, ये रीडिंग्स अभी हमने नहीं ली रखी है तो ये सारे ब्लैंक्स आ रहे हैं, अदरवाइज ये सारी रीडिंग्स इसमें आएंगी। ये पेज का है, ये पेज 1 था, ये पेज 2 हो गया, यहाँ देखेंगे पेज 1, या जैसे हमने पेज पे प्रेस किया, ये प्रेस पे हमने एक बार नॉब को, जैसे ही प्रेस पेज पे हम एक बार नॉब को दबाएंगे, ये पेज चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, ये 2x2 है, जैसे इसको नॉब को रोटेट करेंगे ये 1x2 हो जाएगा। उसी तरीके से हम कर्सर भी लेके चेक कर सकते हैं, सॉरी ये मैं वापस पेज पे चला गया, देखिए ये कर्सर है, ये देख रहे हैं आप, हाईलाइटिंग होगा, ऊपर से नीचे होता जाएगा, ये कर्सर का है, यानी जी बेसिकली ये सब ट्रेंड्स रीडिंग में यूज होता है। ग्राफ के फॉर्म में आप देखना चाहते हैं तो ये ग्राफ के फॉर्म में भी ये सारी चीज़ों की रीडिंग्स देख सकते हैं। ये स्केलिंग का है, कितने घंटे पे स्केलिंग करना चाहते हैं, 1 घंटे पे या 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ये स्केलिंग का मेथड से जो कितने आवर्स का आप एक स्केल ले रहे हैं उस हिसाब से टेबल के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो अब ये टेबल के फॉर्मेट में। इसके बाद हम वापस आ जाएंगे मेन मेन्यू में आ गया। ट्रेंड्स रिव्यू के बाद आप अलार्म्स रिव्यू देख सकते हैं, जो कब क्या पॉप अलार्म्स आया था, स्टील लो का, AVR लो का, ये प्रीवियस मशीन चला होगा उस समय की ये सारी रीडिंग्स है, देख सकते हैं 3 जुलाई 2003 AVR लो का आ रहा है, जो भी आप देख रहे हैं सारे, चूँकि हमने जो भी मॉडल्स है वो मॉडल्स यहाँ नहीं लगाए हैं, ये मॉडल्स का जगह खाली है, तो उससे आप सब देख सकते हैं, ये सारे जो भी मॉडल्स का अलार्म्स है वो सारा अलार्म्स आ रहा है, ये भी ST लो है, वो लो सारी है, ये सारे अलार्म सारे RR लो का आ रहा है, सेकेंड है, हाई है, ये सारी चीज़ें का अलार्म्स ये इसमें दे रहा है। चूँकि हमने अभी पेशेंट कनेक्ट नहीं किया तो इस अलार्म्स का कोई मतलब नहीं है, अदरवाइज इस अलार्म से आप देख सकते हैं जो पेशेंट किस कंडीशन में या क्या समस्या में था। सॉरी हम टेम्परेचर वाले पे आ गए हैं, वापस हम अभी मेन्यू में चलेंगे। ये RR रिव्यू का, ARR रिव्यू का है, ये भी आप देख सकते हैं, रिथमिया रिव्यू का, ये बाकी चीज़ें आप इसमें ये देख सकते हैं, इसका भी जो ग्राफ्स है वो आप एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ये अलार्म सेटअप से, ये अलार्म्स का आप सेटअप कैसे क्या करना चाहते हैं वो सारी चीज़ों का है, कॉमन अलार्म का क्या हाई वैल्यू लो वैल्यू रखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हैं। ये बेसिकली ये सारी चीज़ें हमने एक सेलो की वीडियो में बता रखी है, तो बाकी आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। अलार्म का वॉल्यूम हमने रखा है वो 0, ऑफ भी कर सकते हैं अलार्म का वॉल्यूम, या आप उनको ऑफ कर देंगे तो अलार्म का यहाँ पॉपअप तो आएगा लेकिन उसकी कोई साउंड नहीं आएगा, अलार्म 3 पर रखेंगे तो आप इसके अलार्म का साउंड सुन पाएंगे। ये न्यू पेशेंट कर देंगे तो हमारा जो प्रीवियस डाटा है तो वो सारे डाटा लॉस्ट हो जाएगा और नया पेशेंट का यहाँ एंट्री हो जाएगा। ये देखिए ये नया पेशेंट है, देखिए मॉनिटर न्यू पेशेंट विल बी डिलीट द होल हिस्ट्री, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे ये प्रीवियस जो भी हिस्ट्री था वो सारा डिलीट हो जाएगा, यानी ट्रेंड का जो भी हिस्ट्री था, ट्रेंड्स का जो भी हिस्ट्री था वो सारा डिलीट हो गया है, आप देख सकते हैं। उसी हिसाब से आप ये अलार्म्स का जो रिव्यू था वो सारी रिव्यूज भी डिलीट हो गई हैं।
ये पेशेंट इन्फॉर्म है, ये पेशेंट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हम डाला, केस नंबर, नेम, हाइट, एज, ये बेसिक जो भी पेशेंट के बारे में आप डालना चाहते हैं, नेम, वेट, सेक्स, ये नॉर्मल पेशेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में है। ये कैलकुलेटर है, ये जनरली ड्रग डोज कैलकुलेशन में भी यूज होता है, एच आर वी एनालिसिस में भी। ये ड्रग डोज कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं तो उस हिसाब से ये सारा ड्रग, नेम, वेट, ये सारी चीज़ें देंगे। ये इसका एलोबरेटिव ऑक्सीसीआईजी ड्रग डोज का एलोबरेटिव हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। इसके यहाँ से अब हम बाहर आ जाएंगे, एग्जिट करेंगे, सॉरी, ये हम यहाँ एग्जिट पे आ गए, एग्जिट से बाहर आ जाएंगे। एग्जिट से बाहर आने के बाद हम फिर मेन्यू में जाएंगे, ड्रग कैलकुलेटर हम देख लीजिए स्टैंड बाई मोड में डाल देंगे तो मॉनिटर हमारा स्टैंड बाई में चला जाएगा। जैसे ही हल्का पावर बटन को प्रेस करें तुरंत ही ऑन हो जाएगा। बूटिंग टाइम जो हमने अभी देखा था, बूट होने के समय जो एक मिनट या 120 सेकंड का जो टाइम ले रहा था, वो टाइम ये नहीं लेगा। अलार्म्स रिसेट कर देंगे तो अलार्म्स जो हमारा पहले से था वो सारा अलार्म सेटिंग्स आ जाएगा, हमने जो अलार्म सेटिंग में चेंज किया होगा वो सारा हट जाएगा। ये तो मेन मेन्यू का होगा। और ईसीजी सेटिंग्स में हम जैसे देखेंगे, हम यहाँ बाकी सेटिंग्स में भी जा सकते हैं। ईसीजी सेटिंग्स में जाएंगे तो जो चीज़ें हमने वहाँ बताई हैं सेम जो ईसीजी के लिए हमने अंदर जाके करनी है सेटिंग, वो सारा मॉड्यूल्स के लिए सेटिंग्स यहाँ आ जाएगा। बेसिकली वो भी सारी चीज़ें वही हैं, ये सारी चीज़ें उसी हिसाब से सेटिंग्स है। बाकी जो चीज़ें हैं NIBPS सब में उसी तरीके से रहता है। बाकी चीज़ों के लिए आप जो है हमारा एक्सेलो का वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।